सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर्स। सो कैसे हो आप लोग, होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर के प्रो प्लेयर का सेंसिटिविटी। एंड गाइस, आज जो मैं सेंसिटिविटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप लोग अच्छी तरीके से वो सेंसिटिविटी अपने डिवाइस में कर लेते हो, अपने फोन में कर लेते हो, तो आपका गेम प्ले काफी सुधार हो जाएगा और आप लोग हेडशॉट भी मारोगे। एंड गाइस, आप लोग सेंसिटिविटी तैयार करने में बहुत सारे गलतियां करते हो, जो कि वो गलतियां नहीं करना चाहिए, वो भी चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो मेरे भाई, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप तक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री फायर के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो, सेंसिटिविटी के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो आपको वीडियो कुछ समझ नहीं आएगा और फिर बोलोगे मेरे भाई हेडशॉट नहीं लग रहा, मेरे गेम प्ले में सुधार नहीं हुआ। सो मेरे भाई, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखो, आपका गेम प्ले काफी सुधार हो जाएगा। ओके, सो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो सेंसिटिविटी में आप लोगों को 5 ऑप्शन मिलता है। पहला जनरल मिलता है, दूसरा रेड डॉट मिलता है, सेकंड 2x मिलता है, 4x मिलता है और लास्ट में AWM स्कोप मिलता है। सो गाइस, ये सारे ऑप्शन किस चीज पे वर्क करते हैं और आप लोगों को कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि सारे बंदे, इसमें से बहुत सारे बंदे ऐसा गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर के देखते हैं और उनसे पूछते हैं भाई सेंसिटिविटी बताओ, सेंसिटिविटी बताओ, और वो अपना सेंसिटिविटी शेयर कर देते हैं। ओके, तो स्क्रीन में लाइव में दिखा देते वो अपना सेंसिटिविटी, लेकिन आप लोग बंदे में से क्या गलती करते हैं, वही सेंसिटिविटी अपने में डिवाइस में रख लेते हैं। तो मेरे भाई, सारे डिवाइस के अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, अगर आप लोग अपने डिवाइस में दूसरे बंदे हेडशॉट जो मारता है वो सेंसिटिविटी अपने में रखोगे, आपके सेंसिटिविटी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा और आप लोग हेडशॉट भी ही मार पाओगे। सो गाइस, यहां पर आप लोग यही गलती करते हो और पर डे आप लोग सेंसिटिविटी चेंज करते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हां मेरे भाई, आप लोग पर डे जो सेंसिटिविटी चेंज करते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों गलती होती है मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, गलती यही होती है कि आपका जो फिंगर होता है, अगर आप लोग एक सेंसिटिविटी रखते हो तो आपका फिंगर समझ जाता है कि भाई इतना मूवमेंट करेंगे तो पीछे वाला बंदे को मैं इजी वे में मार सकता हूं, लेकिन यही अगर आप लोग कम करोगे तो अगर आपका फिंगर जो है कभी फास्ट काम करता है, कभी स्लो काम करता है, जिसके कारण आप लोग अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते हो, अच्छी तरीके से एनिमी को एम नहीं कर पाते हो, जिसके कारण अच्छी तरीके से एनिमी को मार नहीं पाते हो और खुद मर जाते हो। हाँ, यही गलती होती है, आप लोग पर डे जो सेंसिटिविटी चेंज करते हो। तो आज से अपना एक सेंसिटिविटी तैयार करो और वो सेंसिटिविटी हमेशा के लिए रख दो। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल के बारे में कि अपने डिवाइस के हिसाब से आप लोगों को कितना जनरल रखना चाहिए। हाँ मेरे भाई, तो आप लोग क्या करना, क्लासिक मैच लगा लेना और क्या करना, 100 अपना जनरल 100 कर लेना। ओके, 100 करने के बाद आप लोग क्या करना, जंप करना, जंप करने के बाद मूव करना, ठीक है, जितना आपका फिंगर वर्क कर रहा स्पीड उतना मूव करना और देखना, अगर आपका एक राउंड से लेकर डेढ़ राउंड तक हो जाता है तो आप लोग वो जनरल आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर कम होता है तो आप लोग सेंसिटिविटी को ज्यादा करना है, अगर मान के चलो आप लोग 80 कर करके हो तो ज्यादा कर लेना है, और अगर 100 करके ज्यादा राउंड हो जा रहा है, मतलब दो राउंड हो जा रहा है, तो आप लोगों को सिंपल से क्या करना है कि आप लोग 80 रखना, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों को सेंसिटिविटी कम भी नहीं करनी है, जितना मैं बता रहा हूं कम से कम डेढ़ राउंड आप लोगों को मार होना चाहिए या फिर एक राउंड, जैसे अजम करके मूव करो, मूव करने के बाद एक राउंड कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब आपका जनरल वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट भी बोल सकते हो मेरे भाई। वही डिवाइस में भी यही चीज अपने फॉलो करता हूं हर डिवाइस में, तो मैं देखता हूँ कि ये डिवाइस में मेरा डेढ़ राउंड से एक राउंड अगर कंप्लीट हो जाता है जंप करने के बाद, तो वो सेंसिटिविटी मैं जनरल रख लेता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को क्या करना है कि जनरल जाना, जनरल में 100 करना है, क्लासिक मैच लगाना है और देखना है कि मैं डेढ़ राउंड या फिर एक राउंड किस टाइप से मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, कितना जनरल रखने के बाद। तो मेरा यहाँ पर 100 रखता हूँ तो मेरा अच्छा तरीके से एक राउंड कंप्लीट हो जाता है डेढ़ राउंड से लेकर। ओके, तो आप लोगों को भी जनरल कितना रखना है अपने राउंड के हिसाब से। ओके, ज्यादा भी नहीं रखना है ना ही कम रखना है, ज्यादा रखोगे तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से सेंसिटिविटी को और आप लोग काफी मतलब मर जाते हो, बांधे ग्लोवर लगाते हो, जहां तहां ग्लोवर लग जाता है, घर में फाइट होती है ज्यादा जनरल होने से मर जाते हो, तो ऐसा कुछ होने वाला ज्यादा जनरल रखने के बाद। ओके गाइस, तो आपको क्या रखना है, आपको राउंड डेढ़ से या फिर एक राउंड कंप्लीट होना चाहिए, उतना जनरल रख लेना। ओके, तो जनरल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूं। सेकंड चीज के बारे में बताता हूं, रेड डॉट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों को हेडशॉट मारने के लिए। ओके, जो कि आप लोगों को रेड डॉट के बारे में कोई भी बंदा नहीं बताता होगा, क्या करने बोलता होगा भाई, कम कर ले या फिर ज्यादा कर ले, इससे हेडशॉट लगता है, तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई आपको, मैं आपको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है आप लोगों का देख लो, जो मैं आप लोग एरो दे दूंगा अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाओगे मैं किसको रेड डॉट बोल रहा हूँ। ओके, तो यही है रेड डॉट। एंड गाइस, यहाँ पर क्या करना है,
ये जो रेड डॉट होती है, ये जो मूवमेंट इसकी रेड डॉट होती है, देख सकते हो इधर से उधर जितना फास्ट हो रहा है, ये आपके रेड डॉट के जनरल के हिसाब से होती है। हाँ मेरे भाई, रेड डॉट की जो सेंसिटिविटी होती है उसके हिसाब से होती है। तो आपको हमेशा से याद रखना है कि आपका जो जनरल रहे, मान के चलो मेरा जनरल 80 है, ठीक है, आपका जनरल 80 तैयार हो चुका है, तो उसके हिसाब से 15 आपको ज्यादा रखना है, उसके हिसाब से 15 कम रखना, ओके, तभी आपका हेड शॉट लगेगा। हाँ मेरे भाई, आपको मैं 100% की गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों को ये चीज रखते हो ना मेरे भाई, तो आपका हेड शॉट पक्का लगेगा। सो गाइस, आप लोगों को क्या समझना है कि आप लोगों जितना मान के चलो आप लोगों को 80 है जनरल, ओके, तो उसके हिसाब से आप लोगों को रेड डॉट कितना रखना है, आप लोगों को रेड डॉट 65 रखना, ओके। सो गाइस, देख सकते हो यहां पर आप लोगों को 65 रखना है। इसी तरीके का मैं आपको बताने चाहता हूं कि अगर आप लोगों जनरल 80 है तो 65 रखो या फिर 15 ज्यादा रखो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग होती है रेड डॉट की, एंड गाइस इससे भी हेडशॉट काफी लगता है। सो गाइस, यहां पर सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे, 2x और 4x के बारे में, ओके। सो गाइस, यहां पर आप लोगों 2x स्कोप एंड 4x स्कोप क्या है इसके बारे में बताता हूं। एंड गाइस, यहां पर बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्या गलती करते हैं। यहां पर कंट्रोल में जाना, कंट्रोल में जाने के बाद आप लोगों को डिफॉल्ट एंड प्रीसिस ऑन स्कोप दो ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहां पर आप लोग डिफॉल्ट में खेलते हो तो आप लोगों को यहां पर जो सेंसिटिविटी है 2x और 4x का, आप लोगों को मैक्सिमम कितना रखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपका जनरल 80 है तो आप लोगों को 100 रखना चाहिए, ओके। अगर आपका रेड डॉट मतलब 100 है तो आप लोग 2x और 4x को भी 100 रखना चाहिए, क्योंकि इस पे अच्छी तरीके से वर्क करता है और अच्छी से ज्यादा हेडशॉट भी लगता है मेरे भाई। एंड गाइस, आप लोग बताना ड्रैग हेडशॉट के बारे में वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों में ड्रैग हेडशॉट पे वीडियो बनाऊंगा। तो 2x स्कोप एंड गाइस 4x को भी आप लोग 100 रख सकते हो, काफी अच्छा रहता है, ओके। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं AWM के बारे में। सो गाइस, यहां पर AWM स्कोप क्या होता है कि आप लोगों को AWM स्कोप हमेशा कितना रखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को AWM स्कोप हमेशा 30 से नीचे रखना चाहिए। हां मेरे भाई, 30 से हमेशा नीचे रखना चाहिए। अगर आप लोग AWM चलाना चाहते हो, आप लोग एक बार ट्राई करना 30 से नीचे रखना AWM स्कोप को, आप 15 से ज्यादा रखना, ओके, 30 से कम रखना है और आप लोगों को 15 से ज्यादा रखना है, उसके बाद देखना है भाई AWM क्या ही मक्खन चलेगी। गाइस, आप लोग बोलोगे भाई सच में बोल रहा हूं AWM अच्छा काफी चला ले रहा। So guys, आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं AWM के बारे में, 30 से लेकर आप लोग 15 के बीच रखना, ओके, तो आप लोग AWM काफी चलेगा। So guys, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे भाई अगर आप लोगों को प्रो टिप्स का वीडियो चाहिए, प्रो पिलर कैसे बने इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो अगर आप लोग देख लोगे ना मेरे भाई, तो काफी आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा एक प्रो पिलर बनने के लिए, ओके। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोगों के लिए ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।